Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके साथ एक रेसिपी वीडियो लेके. सो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पिछली वीडियो यानी कि हमारी चैलेंज वीडियो कैसी लगी थी. तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम आज के मुद्दे पे. तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा रेसिपी जो कि है पोटैटो डोनट्स. सो फ्रेंड्स, पोटैटो डोनट्स यानी कि आलू के डोनट्स. तो फ्रेंड्स, इसकी जो रेसिपी है बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होंगे, एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है. सो आजकल मेरा वीडियो का थोड़ा सा जैसे स्केड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होगा. सो आज मैं आपको साथ साथ में नए नए इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, पहले ही एकदम से नहीं बता दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स. सो इसीलिए आप पूरी वीडियो स्किप वीडियो जो है बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार भी स्किप किया तो फिर क्या पता आपके डोनट्स ख़राब हो सकते हैं. सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज, जैसे ही आप देख सकते हैं, यानी कि हम बॉइल्ड आलू लेंगे. सो इसमें इसको हम थोड़ा सा सीजन करेंगे मिर्च रेड चिली के साथ, थोड़ी सी रेड चिलीज, थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, फ्रेंड्स. इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया डालेंगे. इसमें फ्रेंड्स हम प्याज वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको हम शेप देंगे तो इसमें जो प्याज होगा वो फिर बाहर पॉप आउट हो जाता है, इसीलिए हम नहीं यूज़ करेंगे प्याज. फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर हम इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए ऐड कर रहे हैं. अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप मैदा ऐड कर सकते हैं. मैदा भी इसमें यही काम करेगा, पर जो कॉर्नफ्लोर है इससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाता है. तो बाकी आपकी मर्जी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फ्रेंड्स, अभी पोटैटो मैशर की हम मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अपने पोटैटोस को जो है मैश भी कर लेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने इसको अपने पोटैटोस को अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया है और मैश भी कर लिया है. तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो मसाला बनेगा इसमें लम्स नहीं होने चाहिए. जैसे कि हम आलू के परांठा के लिए जो होते हैं थोड़े से लम्स रखते हैं, इसके आलू के बड़े बड़े पीसेस रखते हैं, वो नहीं हमने रहने देने हैं इसमें. तो इसको हमने एकदम फाइन कर लेना है ताकि हमारा जो डोनट है अच्छा बने, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़े से लम्स रहने देंगे तो जब हम इसको बाइंडिंग करेंगे, इसकी शेपिंग शेप बनाएंगे, तो तब ये ख़राब हो सकता है. तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. फ्रेंड्स, अब हम देंगे यहाँ पे चीज़. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाइस चीज़ लिया है, अमूल का चीज़ लिया है मैंने यहाँ पे, और ये चेडर चीज़ है, इसमें मोज़रेला चीज़ भी मिक्स्ड है. सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी शेप बनाना. मेरे को तो चीज़ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मेरा तो ये सबसे फेवरेट इन्ग्रीडियंट है अपने डोनट्स में. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आलू थोड़ा सा ले लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनका एक राउंड सा बनाऊंगी, फिर इसे हम फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा नीचे रख के कर लेते हैं. आपकी मर्जी, आप इसको जितना मर्जी फ्लैट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं. सो अब हम इसको इसमें चीज़ डालेंगे. बीच में से हमने फ्रेंड्स इसे खाली रहने देना है और साइड साइड पे खाली चीज़ डालना है. फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे चीज़ लगा दी है जैसे कि आप देख सकते हैं. अब हम इतने ही साइज़ का एक और आलू का ऐसे टिक्की सा बनाएंगे और इसे हम इसके ऊपर रख देंगे. फिर इस तरीके से इसे साइड से हम प्रेस कर देंगे. सो इसे अब हम इस तरीके से साइड से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना, और फिर इसके बीच में से हमें
होल सा बनाएंगे। फ्रेंड्स हमने इसे डोनट की शेप दे दी है और इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। फ्रेंड्स अब हम लेंगे यहाँ पे थोड़े से ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर, इनको हम साइड पे रख देते हैं और हम आपको दिखाएंगे हमारे डोनट्स। तो फ्रेंड्स हमारे डोनट्स भी बनके तैयार हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 डोनट्स जो हैं वो बनाए हैं और कुछ बैटर बच गया था हमारे आलू का जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ बॉल्स भी वहाँ बना दिए हैं। सो फ्रेंड्स अब हम रख देते हैं इसे थोड़ा सा साइड में और हम देंगे अब अपना जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम जो हमारा कॉर्नफ्लोर है हमने उसका एक थिक सा बैटर बनाना है, बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये जल्दी में ना जमना शुरू हो जाता है। इसे हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक थिक सा बैटर बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने अब कोटिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स हमारा जो थिक बैटर है वो तैयार हो गया, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए कि इसकी एक लाइन पूरी नीचे आए, जो है टिप टप टप करके ना नीचे आइए। सो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके अपने डोनट्स को कोट कर लेंगे। सो पहले मैंने अपना पहला पोटैटो डोनट लिया है, तो एक बार ये हम प्रेस कर लेते हैं ताकि ये टूट ना जाए। तो फ्रेंड्स जब आप ये बना रहे होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस पूरी रेसिपी का सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है कौन सा लगा। मेरे लिए तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था जब हमें डोनट्स की शेप बनानी थी। बट जब इधर से निकाल लिया हमने, इसमें डिप कर लिया, अब हम इसको डिप करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप फ्रेंड्स रस का यूज़ कर सकते हैं। रस को ब्रेक मतलब उसका चूरा बना के आप उसको ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा टेस्ट देंगे। तो हमने इसको एक कोट कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें आप इसको एक कोट में ख़त्म कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें इसको 2 कोट भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे 2 कोट्स करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जो भी चीज़ हम चीज़ और पोटैटो से बनाते हैं उसको डबल कोट ही करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर वो तेल जब जैसे हम उसको डीप फ्राई करेंगे तो फिर वो टूट जाता है। एक बार हम इसको हिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने सारे डोनट्स को कर लेंगे कोट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने डोनट को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स अब जो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑयल है एकदम गर्म हो गया है। सो अब हम अपना डोनट लेंगे पोटैटो डोनट और इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हम एक बारी में एक ही फ्राई करने को डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो टूट भी सकता है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं डोनट फ्राई हो रहा है। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसे फ्राई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डोनट्स जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना चीज़ी है फ्रेंड्स अंदर से, यम। तो ये हमारा चीज़ वाला, ये भी आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स चीज़ीनेस का लेवल देखिए। अगर आपको डोनट्स की रेसिपी पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस रेसिपी को बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।